गाइस देख रहा हूँ ना, मैंने पेटी वेटी इस वजह से निकाल दी क्योंकि भाई दड़बे में हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी। इन देख रहा हूँ ना, दो बच्चे निकले थे, दोनों बच्चे मर गए। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम मेरा, क्योंकि भाई सुबह सुबह ये देखने को मिला, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, बहुत ज्यादा। किस तरीके से ले जाने पड़ रहे हैं आज मेरे को, देख रहे दोनों बच्चे कैसे मर गए। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरे सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग और राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपके अपने चैनल हर्ष प्रेजेंटेशन में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज की अपडेट है, गाइस मैंने अभी सुबह सुबह का टाइम है, कबूतर खोले ही थे। तो गाइस आज अच्छी न्यूज़ नहीं है भाई बिल्कुल भी, कबूतर भाई बिल्कुल, मतलब कि गर्मी इतनी हो रही है ना, कबूतर देख रहे हो ना कैसे सुस्त से हो रहे हैं, हमारा लल से लाल देख रहे हो कबूतर कैसा हो रहा है, वो तो भाई बिल्कुल बेकार ही हो रहा है। और गाइस रात हमारे साथ एक वो बेकार हो गया, मतलब कि हमारा एक कबूतर मर गया, जैसे कि ज़ाया हो गया। भाई आपको दिखाऊँ ना वीडियो, मतलब कि वीडियो तो नहीं बनाई रात मैंने, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया गाइस, वीडियो बना नहीं पाया रात में, रात को मरा था वो भाई। मैंने जब कबूतर बंद करे थे ना, अच्छा खासा उड़ाकर बंद करा था कबूतर, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसे, एकदम अचानक ही दड़बे में बैठा था, यहाँ ऊपर बैठा नीचे गिर गया, पता नहीं यार। तो जैसा कि अब मैं दड़बे में है यार, उसे निकालता हूँ, उसे भी देखता हूँ, और हमारे कुछ बच्चे हैं उन्हें भी देखता हूँ कैसे हो रहे कैसे नहीं। तो गाइस बहुत दिमाग ख़राब हो गया रात, जैसे कि हमारे दो बच्चे निकल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और हमारे ये वाला कबूतर बैठा भाई बहुत ज़्यादा बेकार हो गया मामला। भाई मैंने रात से इसको ऐसे रखा था, रात को किस टाइम 11-1 बजे कहाँ देकर आता मैं, कहाँ रखता उसको भाई, चींटियों ने पूरा घेर लिया इसको, देख रहे हो ना गाइस क्या हाल हुआ पड़ा है इसके बेचारे का। मैं यार क्या करता रात को इसको, कहाँ रखता 11 बजे, तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो गाइस मैं इसको थोड़ी देर यहाँ रखता हूँ ताकि चीटी वीटी चली जाए धूप की वजह से, भाई रात से ऐसे रखा हुआ है ना, तो इस वजह से इसमें देख रहा हूँ कितनी चीटियाँ हो गई हैं, बेकार हो गया, मतलब कि चीटियों ने रात से बेकार कर दिया बिल्कुल कबूतर, भाई इतना बुरा हाल कर दिया ना कबूतर ने, कबूतर का मानोगे नहीं, देख रहा हो ना कितना अच्छा पट्टा था, एकदम उड़ता वो पट्टा था यार, कल उड़ भी रहा था अच्छा खासा, उड़ता बंद करा उसके बाद पता नहीं रात में क्या हुआ क्या नहीं, मर गया यार। कोई बात नहीं, अपने पटियाली के बच्चे उड़ देखते हैं गाइस कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं। कल निकल गया इसका दूसरा बच्चा भी, परसों निकला था एक बच्चा और कल निकला एक बच्चा, वो भी एकदम ठीक थे बच्चे, उनको दिखाता हूँ गाइस। पता नहीं उस बच्चे को भी रात क्या हो गया था भाई, वो भी बिल्कुल ऐसी हरकत कर रहा था ना, मर गया पर वो जिंदा रहा, एक बच्चा तो मर गया हमारा, जैसे कि और बच्चे देखते हैं। मैं लगता है आज में ये भी ख़त्म हो जाएगा भाई, इसको भी दवाई ववाई दे रहे थे, दवाई दिया तो ठीक था उस दिन, कल भी दवाई दी थी तो भी ठीक था, आज और दवाई देंगे गाइस इसको, बस ऐसा हुआ गलती ही हो गई, रेगुलर दवाई नहीं दी सुबह शाम इसको, बस एक टाइम दवाई दी इस वजह से ऐसा हो गया। चलो कोई बात नहीं गाइस, आज देते हैं इसको दवाई, सुबह भी दूंगा अभी दे दूंगा, और दोपहर में भी दूंगा और शाम को भी दूंगा, तीनों टाइम दवाई दूंगा ताकि ये कबूतर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो गया अच्छी बात है, नहीं तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते भाई, जो कबूतर मरना है वो मरना है, क्योंकि इसे बहुत साल हो गए हैं और इसकी एज भी ज़्यादा ही हो रही है, बहुत टाइम हो गया जब से कबूतर पाल रखे हैं ना, जब से कबूतर हमारे पास है ये वाला, तो ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। कबूतर तो बेकार हो ही रहे हैं, पट्टे दिखाता हूँ मैं गाइस, वे जो छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं उन्हें देखते हैं भी कैसे हैं गाइस, ये वाले तो ठीक हैं, यहाँ तक कि हम ये लगता है ये वाले बच्चे भी मर गए दिख नहीं पा रहे, ये वाले तो ठीक हैं भाई रात से। गाइस देख रहा हूँ मैंने पेटी वेटी इस वजह से निकाल दी क्योंकि भाई दड़बे में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, इनमें से जा नहीं पा रही हवा, इनमें से छोटे छोटे छेद हैं। तो गाइस जो भी भाई अपना लॉफ्ट बनाया ना गाइस, प्लीज़ क्लोज वेंटिलेशन के लिए बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर बनाएं, अन्यथा तो कबूतर बेकार हो जाएंगे, मर जाएंगे सारे बच्चे। गाइस देख रहे हो ना, दो बच्चे निकले थे, दोनों बच्चे मर गए, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इस टाइम मेरा, क्योंकि भाई सुबह सुबह ये देखने को मिला, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो ना भाई, छोटे छोटे बच्चे निकले थे यार, क्या हो गया देख रहे हो भाई, चिपका पड़ा है बिल्कुल बच्चा, मेरे ख्याल से रात से ही मरा पड़ा है ये भाई। रात मैंने अच्छे खासे बंद करे हैं कबूतर, पता नहीं अचानक क्या हो गया यार क्या नहीं, दिमाग की ऐसी तैसी हो गई भाई,
बच्चे मर गए यार, दोनों के दोनों, एक कल निकला था बच्चा वो भी मरा पड़ा भाई, बिल्कुल चिपका पड़ा है, देख रहे हो ना, अगर आपको भी दिख रहा हो भाई, बिल्कुल छूट भी नहीं रहा यार, इतना बुरा क्यों हुआ, देख रहे हो गाइस, यार एक बच्चा तो जिंदा रहना चाहिए था यार, इतने टाइम से हमने इंतजार करा इनका, नई जोड़ का, हमारी नई जोड़ का नया बच्चा निकला था, देख रहे हो ना गाइस, दोनों बच्चे कैसे बेकार हो गए यार, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया भाई तुम्हारे भाई का, बहुत ज़्यादा, देख रहे हो ना गाइस बच्चे किस तरीके से ले जाने पड़ रहे हैं आज मेरे को, देख रहे हो दोनों बच्चे कैसे मर गए, देख रहे हो गाइस दोनों बच्चे, मतलब ये तो कल ही निकला था ये वाला बच्चा, और ये उससे पहले का था भाई, पता नहीं सांस नहीं लिया क्या नहीं करा, दिमाग की ऐसे तेज हो गई पूरे। तो गाइस यही थी हमारी बस छोटी सी अपडेट गाइस, कबूतरों को बेंच पता नहीं क्या हो गया यार भाई, प्लीज़ बताएं क्या करें इनका, गर्मियों में कुछ इलाज बताएं, क्या क्या दें इनको जो बीमार ना हो गाइस, देख रहे हो ना कबूतर कैसे हो रहे हैं भाई, पूरा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, क्या हो गया इन कबूतरों को, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा भाई, कई कबूतर बीमार हुए पड़े, हमारा वो कलसीरा पट्टा है वो भी दाना नहीं खा रहा सही से, और एक ये लाल कबूतर ये भी सही से नहीं खा रहा भाई, बस ये दो कबूतर और हो रहे हैं ऐसे, और तो सब ठीक है यार। गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या करें क्या नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा क्या करूँ इनके लिए मैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस क्या करें इन कबूतरों के लिए क्या नहीं। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।